जोक्स अपार्ट यार, मतलब अगर आप कुछ बढ़िया सी बाइक निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अपना प्रमोशन तो करना बनता ही है, तो इतनी सारी जगह हीरो का लोगो लगाने का कुछ तो मोटिव होगा ही ना। 80-90 की स्पीड से अगर आप इसको रेगुलर हाईवे पे चलाते हो तो आराम से 35 km/h का एवरेज आपको निकाल के दे देगी। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है 3D फॉन्ट के अंदर, मैवरिक 440। सो ये आपको LEDs यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और साउंड प्रोफाइल की बात करें आपको खासियत देखने को मिलने वाली है। हाल ही में अभी ये हीरो का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट निकल के आया है 440 सेगमेंट के अंदर। सो बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल के बारे में, क्या क्या इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या इसकी पूरी डिटेल होने वाली है, क्या टायर साइजेस है, क्या पावर परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, कितने कलर वेरिएंट्स में ये बाइक आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है और क्या इसकी ऑन रोड एक्सशोरूम प्राइजेस होने वाली है। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके अंदर आपको जो फ्रंट देखने को मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाली है। एकदम राउंड शेप के अंदर आपको इसमें LEDs देखने को मिलने वाली है। एक बार की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको मैवरिक की जो की देखने को मिल रही है काफ़ी प्रीमियम यहाँ देखने को मिलने वाली है। भाई आपको फ्रंट में की सेक्शन देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं थोड़े इसके DRLs और LEDs के बारे में। तो यहाँ आपको कुछ टी टाइप का शेप में तो ये आपको डे टाइम रनिंग DRLs के साथ में कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है सिस्टम। और यहाँ पे आपको बोथ साइड आपको LEDs लाइट देखने को मिलने वाली है जिसकी ब्राइटनेस की भी बात करेंगे। बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको जो इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं वो कुछ राउंड शेप में LEDs देखने को मिलने वाली है। और विजिबिलिटी की बात करूँ तो इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो डे टाइम रनिंग DRLs आपको यहाँ कुछ देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का। अब बाइक को एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ भाई कि इसके अंदर आपको फ्रंट में जो लाइट्स देखने को मिलने वाली है वो किस टाइप की देखने को मिलने वाली है। ये आपको इसके अंदर कुछ इस टाइप का मिलता है हाई बीम वाला लट्टू नीचे। सो ये आपको LEDs यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। ऑल दो ब्राइटनेस की बात करूँ तो दिन में तो अभी आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, बट इसकी ब्राइटनेस आपको वाइट LEDs के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। मतलब नाइट में इसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर अपन आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे एक तो साइड स्टैंड जैसे आप देख पाएंगे, आपको न्यूट्रल का साइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हजार लाइट की लाइट्स देखने को मिल जाती है। ये आपको लो बीम हाई बीम वाला लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं लोगों के बारे में तो इसके अंदर आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है और बिल्कुल ओडोमीटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। 169 किलोमीटर अभी रन कर चुका है। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा टाइम देखने को मिल जाता है। और फ्यूल इकोनॉमी की बात करोगे तो इस साइड आपको फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। गियर इंडिकेशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसका RPM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको RPM देखने को मिल जाता है कुछ। इसके अंदर आपको यहाँ पे USB टाइप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको ABS की लाइट देखने को मिल जाती है। इधर आपका ऑयल की लाइट है और ये आपका इंजन की लाइट है। तो अरे में तो हैंडल आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम फील होता है। क्रूजर बाइक का आपको हैंडल देखने को मिल जाता है। तो ये आपको फ्लैशर देखने को मिल जाता है लो बीम हाई बीम वाला। और यहाँ पे आपको पूरी बैजिंग देखने को मिल जाती है हीरो के लोगों के साथ में। और ये आपको इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट करने के लिए देखने को मिल जाता है और बंद करने के लिए यहाँ ये आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हजार लाइट का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जिसके आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जल पाएंगे। ये आपका सेल्फ स्टार्ट करने का हो जाता है और ये आपको SOS देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कलर स्पेक्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इस कलर वेरिएंट की बात करोगे तो ये आपको जो कलर देखने को मिलता है मैट फोंटोम ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। और इसी के अंदर जो दूसरा कलर वेरिएंट आता है उसके बोलते हैं इग्निमा ब्लैक कलर। तीसरा कलर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर और उसी के साथ में फेयरलेस रेड कलर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में एक ब्लू कलर के अंदर वेरिएंट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो टोटल इसके अंदर आपको 5 कलर वेरिएंट अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। और साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। बात करें इसके अंदर यहाँ पे आपको 3D फॉन्ट के अंदर मैवरिक 440 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। साइड की प्रोफाइल की बात करोगे तो इसके अंदर आपको ये मैट फिनिश के अंदर सिल्वर के टेक्सचर के साथ में यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आपको टॉर्क एक्स के साथ में यहाँ लोगो देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई जो कंपनी इस बाइक की जो एवरेज क्लेम करती है ना 30 km/h का एवरेज ये बाइक आपको निकाल के दे देगी ऑन सिटी
हाईवे के ऊपर आप इसको मिड रेंज की स्पीड पे चलाते हो, अप्रॉक्सली 80-90 की स्पीड से अगर आप इसको रेगुलर हाईवे पे चलाते हो तो आराम से 35 km/h का एवरेज आपको निकाल के दे देगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है भाई। और डू इट कमेंट सेक्शन बिलो कि भाई आपको ये बाइक साइड प्रोफाइल से कैसी लग रही है, काफ़ी मस्त आपको यहाँ लुक देखने को मिल जाता है। सो अब बात कर लेते हैं गाइज इसके टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 13.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और यहाँ की फिनिश की बात करेंगे और सबसे अच्छी बात है ये E20 सपोर्ट के साथ में आपको ये वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको मैवरिक 440 की बैजिंग देखने मिल जाती है। ऑल दो ये कलर स्पेक्स की बात करो तो मैट ब्लैक के अंदर आप इसको बोल सकते हो। और फ्यूल इकोनॉमी का जो ये वाला सेक्शन आपको यहाँ देखने मिलता है ये थोड़ा सा शाइन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के रिगार्डिंग अगर आप इस बाइक को प्रेफर करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सॉफ्ट सीट देखने को मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल है, पिलियन राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी है, मतलब भी कंफर्टेबल आप इसको लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर कर सकते हैं। साइज इसके व्हील साइज और टायर साइजेस के बारे में, तो सबसे पहले इसके फ्रंट टायर के ऊपर आते हैं, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर का व्हील साइज देखने को मिलता है 431.8 mm का देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में अगर आप रेयर टायर के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर आपको जो रेयर टायर का व्हील साइज देखने को मिल रहा है 431.8 mm, मतलब बोथ साइड आपको सेम व्हील साइज देखने को मिलने वाला है। और टायर साइजेस की बात कर लें तो टायर साइज आपको यहाँ जो देखने को मिलने वाला है 110/70/17 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर MRF का देखने को मिल जाता है, जिसकी ग्रिपिंग की बात करोगे तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे ग्रिपिंग देखने को मिलने वाली है विद ड्यूल चैनल ABS के साथ में। दो इसके अलॉय व्हील्स के अंदर आपको ये सिल्वर के टेक्सचर में फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। रियर टायर का जो साइज है भाई इसके अंदर आप थोड़ा सा शॉक्ड होंगे, क्योंकि इसमें आपको 150/60/17 सेक्शन का MRF का ट्यूबलेस ड्यूल चैनल ABS के साथ में टायर देखने को मिलने वाला भाई एक मिल जाता है, जिसकी ग्रिपिंग रोड पे काफ़ी अच्छी होने वाली है। ऑल दो अगर आपकी बाइक 140 की स्पीड पे भी चल रही होगी ना तो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। और लास्ट जो 320 mm का आपको डायमीटर देखने को मिल जाता है भाई फ्रंट ब्रेक का। और भाई रेयर ब्रेक की बात कर ले तो इसके अंदर आपको जो रेयर ब्रेक का जो डायमीटर देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिलता है 240 mm का। डायमेंशन कैपेसिटी की बात कर ले तो बाइक की, तो इसके अंदर आपको मैवरिक 440 के अंदर जो विड्थ देखने को मिलने वाला है 868 mm देखने को मिलने वाला है। वहीं की जो लेंथ की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 2100 mm की लेंथ देखने को मिलने वाली है। वहीं इसकी बाइक की हाइट की बात करोगे तो 1112 mm की आपको देखो हाइट देखने को मिलने वाली है। वहीं इसकी सैडल हाइट की बात करोगे तो सैडल हाइट आपको जो देखने को मिल रही है 830 mm की देखने को मिल जाती है, और सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ट होने वाला है। तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ देखने को मिलता है, 175 mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है, 1388 mm का आपको इसके अंदर व्हील बेस देखने को मिल जाता है। चलाओगे तो आपको फील नहीं होगा, 187 kg इसके अंदर आपको वेट देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसका डायमीटर आपको देखने को मिलता है 43 mm का। और वहीं रेयर सस्पेंशन की बात करें तो भाई रेयर सस्पेंशन में थोड़ा सा सस्पेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको जो रेयर सस्पेंशन देखने को मिलता है सबसे अच्छी चीज़ है 7-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन स्टॉक के साथ में ही आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है, मतलब ड्यून टोन वन साइडेड एंड सेकेंड साइडेड। और जोक सपाट यार, मतलब अगर आप कुछ बढ़िया सी बाइक निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अपना प्रमोशन तो करना बनता ही है, तो इतनी सारी जगह हीरो का लोगो लगाने का कुछ तो मोटिव होगा ही ना। तो इसके अंदर आपको LED टेल LED कुछ इस टाइप की दिखने में, प्रेस करोगे तो ये वाली लाइट भी आपकी जलने लग जाएगी। बैक की जो मगर्ट की बात करोगे ना भाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत, बिल्ड क्वालिटी के मामले में लिटरली आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। और यहाँ पे आपको बोथ साइड आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट का सेक्शन देखने को मिल जाता है, और इतना नीचे तक जा रहा है भाई, मतलब गंदा होने का ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी गार्ड्स की बात करोगे तो सारी गार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम बनाई है। और ये आपको ऑलरेडी लगा हुआ फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, मतलब अगर लेडीज़ वगैरह भी कोई बैठती हैं तो उनके लिए साइड में काफ़ी अच्छी सुविधा आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ में फुटरेस्ट भी यहाँ देखने को मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जो पाइप देखोगे ना आप, देखो किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ जाके नीचे से टच हो रहा है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी यार ये ओपन में आ गया है तो बैंड पाइप के अंदर मतलब कुछ भी लगने का डर बहुत ज़्यादा रह सकता है, ये आपका बिल्कुल डैमेज होने का चांसेस है। यहाँ पे भी आपको कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, ऑल दो आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ आप आफ्टर मार्केट जब भी ये मॉडल निकल रहा है अभी भी उसी के बाद यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन इसका आफ्टर मार्केट आप लगवा पाएंगे। सो इंजन स्पेक्स की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 440 cc का सिंगल सिलेंडर एयर और ऑयल कूल्ड के साथ में SOHC इंजन देखने को मिल जाता है, और 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में बाइक आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और उसी के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर के साथ में बाइक देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ है इसके मैक्स टॉर्क की बात कर ले तो इसके अंदर आपको भाई 36 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर दी ये बाइक आपको 4000 RPM के ऊपर,
और वहीं अगर आप इसके मैक्स पीक पावर की बात कर लें तो भाई इसके अंदर आपको 27.36 VS की पावर प्रोवाइड करती है बाइक आपको 6000 RPM पे। तो भाई इसका पूरी बाइक का रिव्यू था, अब बात कर लेते हैं भाई इसके पूरे ऑन रोड और एक्सशोरूम प्राइजेस के बारे में कि क्या इस जयपुर राजस्थान में ये बाइक आपको कितने की देखने को मिलने वाली है ऑन रोड और एक्सशोरूम। अभी जो आप मेरे सामने वेरिएंट देख रहे थे ये आपको टॉप वेरिएंट देखने को मिलता है, वो 224000 की एक्सशोरूम आपको देखने को मिल जाती है जयपुर में। और वहीं इसके टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस की बात करोगे तो 283000 मतलब 283615 की ये आपको ऑन रोड जयपुर में देखने को मिलने वाली है। वहीं इसके मिड वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो 264920 का आपको ऑन रोड देखने को मिलने वाला है। और इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको सिंपल सबर ब्लॉक पसंद आएगा। और बाइक से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरीज हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है अपना, तो जाके मेक श्योर वहाँ फॉलो जरूर कर लेना। और ऐसे ही अपने रिलेटेड वीडियो बाइक से रिलेटेड वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको सिंपल सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं 6 ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।